देखिए अंग्रेज हमारे यहाँ पर कब आए थे, 1600 में आ गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर, है ना। और 1757 में एक बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, प्लासी में लड़ाई हुई थी, उसमें कब हुई थी, 1757 में, और हम लोगों ने भगाया कब उनको, 1947 में, ठीक। तो लगभग 190 साल तक तो उन्होंने हमारे यहाँ पर राज किया। हालांकि इसके बाद एक बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में, तो मेन जो वहां से उन्होंने अपने पैर पसारने स्टार्ट किया था 1764 के बाद से किया था। फिर 1857 तक वो लोग अपने पैर पसारते गए, कब तक, 1857 तक। और 1857 में जितने पैर पसार लिए थे उसके बाद से फिर और पैर नहीं पसारे थे, उसके बाद से धीरे धीरे हम लोगों को राजनीतिक आगत देना शुरू किया था, लेकिन बहुत मामूली, और बाकी आर्थिक शोषण तो हमारा करते ही रहे। तो जो मेन उनका प्रसार हुआ वो 1764 से 1857 के बीच में हुआ। तो हुआ क्या कि इन्होंने हमें लगभग लगभग 190 या 200 साल तक के लिए गुलाम बनाया, ठीक। और उस गुलामी की वजह से हमारी पूरी खेती की जो रीढ़ की हड्डी थी तोड़ दी, उद्योगों का विकास होने नहीं दिया, हमारे यहाँ का जो उद्योग थे उनको बर्बाद कर दिया। तो हमारे यहाँ वी औद्योगिकरण हो गया, और उसके बाद से हमारे जो मजदूर थे बेचारे वो बेरोजगार हो गए, बहुत सारे शहर के शहर छोटे होते चले गए, क्योंकि शहर वही होता है जहां पर कुछ उद्योग हो, उद्योग खत्म होना प्रारंभ हो गया। उसके बाद से इन्होंने फिर बाद में बहुत सारे सांस्कृतिक स्तर पर भी और धार्मिक स्तर पर भी हमारे यहाँ नफरत घुलना स्टार्ट किया, हिंदू मुस्लिम के दंगे करवाना भी एक तरह से भड़काना शुरू किया, फिर हमारे देश के जो टुकड़े भी हो गए। तो बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन इस चैप्टर में हम लोगों ने जो पढ़ा है उसमें क्या हुआ, उसमें हमें ये समझ में आता है कि यार 200 साल में हुआ क्या कि भारत में जो हमारी कृषि थी वो हमारी अर्थव्यवस्था की आत्मा हुआ करती थी। क्यों आत्मा हुआ करती थी, क्योंकि 80% लोग, 5 में से 4 लोग खेती कर रहे थे यार, ना कम से कम 75% लोग तो कर ही रहे थे, और इसका मतलब 4 में से 3 लोग खेती कर रहे हैं। अब खेती करने वाले में एक बहुत बड़ी समस्या होती है जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सरप्लस। क्या बोलते हैं, सरप्लस। सरप्लस तो अच्छी चीज है, सरप्लस मतलब जरूरत से ज्यादा, तो जरूरत से ज्यादा हमेशा अच्छा होता है क्या, अच्छा तब नहीं होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग अधिशेष। क्या बोलते हैं, अधिशेष। तो श्रम अधिशेष था, श्रम अधिशेष का मतलब क्या होता है कि जितने लोगों की जरूरत है काम करने की उससे ज्यादा लोग खेती में लगे हुए हैं बेचारे। एक परिवार है, 10 लोग हैं, अब 10 के 10 लोग छोटी सी जरा सी खेत का प्लॉट है उसी में काम कर रहे हैं, तो उससे समस्या क्या हो जाती है कि जहां पर एक आदमी काम कर सकता था उसकी जगह 10 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन 10 लोगों के काम करने से पैदावार 10 गुना थोड़ी हो जाएगी, पैदावार तो जमीन भी बहुत बड़ा फैक्टर है, अब जमीन ही नहीं है ज्यादा तो आदमी क्या करेगा। तो हमेशा से ही खेती में एक तो आपके यहाँ पर लेबर सरप्लस था, अधिशेष था, किसका अधिशेष था, श्रम अधिशेष, तो ये एक समस्या हुआ करती थी। उद्योगों का मैंने आपको बता ही दिया कि वहां पर वी औद्योगिकरण हो गया था, उल्टा हो गया था, और उसके बाद जो इंडस्ट्रीज आने स्टार्ट हुई, सूती की आने स्टार्ट हुई 1850 के बाद से, फिर आपकी पटसन की बंगाल में आना स्टार्ट हुई, उसके बाद से फिर क्या हुआ, इस्पात लगाने लगे जीआरडी टाटा जैसे महान आदमी। तो इन सारे लोगों ने जो कुछ भी किया, लेकिन जो भारत की बनी बनाई इंडस्ट्री, भारत की बनी बनाई उद्योग की जो पूरी गरिमा थी पूरे दुनिया भर में, वो अचानक से समाप्त हो गई, और उसको रिप्लेस करने वाली, उसकी जगह लेने वाली कोई दूसरी इंडस्ट्री खड़ी नहीं हो पाई। फिर इन लोगों ने आधारित संरचनाओं में रेलवे के नाम पर भी हमारे देश की संपदा को बाहर ले जाने का काम किया, है ना। तो हम लोगों ने पूरे चैप्टर में जो देखा है वो ये देखा है कि हमारे देश में उस समय पर साक्षरता दर की भी हम लोग बात की थी, हम लोग जनांक की स्थिति की बात की थी कि क्या था। तो हुआ क्या कि जो हमें देश विरासत में मिला बहुत कमजोर था, खाने को नहीं था, भुखमरी हुआ करती थी, बीमारियां होती थी, लोगों के पास शिशु मृत्यु दर 218 थी। सोचिए 1000 बच्चे जन्म ले रहे थे जिसमें से 218 मर जा रहे थे जन्म के बाद, ये स्थिति थी हमारे। इस इतनी कंगाल स्थिति में हमें अंग्रेज छोड़ करके गए थे। और एक और चीज बताता हूं, अंग्रेजों के आने से पहले भारत का पूरी दुनिया का 24% जो GDP है ना, मतलब पूरी दुनिया अगर कुछ सब कुछ मिलाकर के 100 बना रही थी तो 24 लगभग लगभग भारत बना रहा था, और जब अंग्रेज हमें छोड़ करके गए ना तो ये कितना रह गया था, ये 4% से भी कम हो गया था। सोचिए हम पहले इतना कुछ बनाते थे पूरी दुनिया में, और जब हमें अंग्रेज छोड़ करके गए तो हम सिर्फ 4 बनाने लायक रह गए थे, हमारी इतनी गंदी दुर्गति कर दी थी अंग्रेजों ने। और उसके बाद जो हमें देश मिला, सोचिए कितना कठिन रहा होगा जो हमारे स्टार्टिंग के नेता थे उनके लिए। आज के भी लोग इस तरह की बात भी करते हैं कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया और इतनी हालत खराब चल रही है, बहुत समस्याएं हैं, मैं बिल्कुल बोलता हूं, लेकिन जो लोग ये सारी सच्चाई जान लेंगे ना उनको ये समझ में आएगा यार कि गलतियां होंगी, हमारे नेताओं ने बहुत गलतियां की होंगी, कई भ्रष्टाचारी नेता भी रहे होंगे, लेकिन उसके बाद भी जो हमारी प्रगति हुई है, हम लोग 70% से भी कम था, कुछ जगह पर 16% भी मिलता है, इतनी साक्षरता दर से लगभग 80% साक्षरता दर पर पहुंच गए हैं, समझ रहे हैं आप कितनी बड़ी प्रगति की है। सोचिए हम लोगों ने पोलियो खत्म कर दिया, चेचक खत्म कर दिया, आर्थिक स्थिति से भी हमारे यहाँ पर श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे तो उन्होंने एक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत की थी, तो लगभग लगभग सारे गांवों को रोड से जोड़ने की योजना थी, आज भी नहीं हो पाई है, उनकी मृत्यु भी हो चुकी है, लेकिन हमने बहुत सारे गांवों को सड़कों से जोड़ दिया है। और अंग्रेजों के समय पर गांवों को तो जोड़ने का मतलब ही नहीं था, वो तो चाहते ही थे, उनको तो सिर्फ जहां से संपदा ले जानी है बाहर, तो उस हिसाब से हमने बहुत ज्यादा प्रगति कर ली। हमारे यहाँ पर अभी हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, हम लोग एक ही लोग तो थे,
अगर पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था हम लोग एक ही लोग थे, और उसके बाद क्या हुआ, उनकी आज स्थिति देखिए और हमारी स्थिति देखिए। जबकि पाकिस्तान को बांग्लादेश जैसी अच्छी जमीन मिली, उसके बाद से जो पश्चिमी पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है वहां पर भी प्रति व्यक्ति जो जमीन है वो ज्यादा है क्योंकि वहां पर लोग कम है, और उस साथ में उनके यहाँ बलूचिस्तान है और सेंट्रल एशिया यानी कि मध्य एशिया से जुड़ा हुआ है, तो बहुत सारा फायदा है उनको। और उसके बाद भी उनकी प्रति व्यक्ति आय हमसे हमेशा ज्यादा रही थी, ये कुछ लोगों को थोड़ा अजीब लगेगा, प्रति व्यक्ति आय पाकिस्तान की हमसे हमेशा ज्यादा रही है ऐतिहासिक दृष्टि से। लेकिन उसके बाद भी 2010 में हमने उनको पीछे छोड़ दिया था प्रति व्यक्ति में भी। पूरा देश तुम्हारा बहुत बड़ा है, तुम उनसे बहुत ही आगे थे, आज तुम्हारे देश की जो इकोनॉमी है वो उनसे 8-9 गुना बड़ी है। तो हमारे सामने अब उनकी वैल्यू नहीं रह गई। क्यों नहीं रह गई? क्योंकि हमारे यहाँ पर लोगों ने काम किया है, समझ रहे ना। तो जो हमारे नेता थे उन सारे लोगों को एक साथ एक दृष्टि में डाल देने का भी कोई अर्थ नहीं बचता है। और जो हमारी पुरानी जैसे क्रिटिसिज्म आता है, हर एक चीज में गलतियां आपको दिखेंगी, कोई भी इंसान काम करेगा तो उसमें गलतियां होंगी। अभी हम लोग अगले चैप्टर में बात करेंगे, तो जो हमारे प्लानिंग कमीशन होते थे, पंचवर्षीय योजनाएं होती थी, जो हमारा योजना आयोग था वो पंचवर्षीय योजनाएं बनाता था, उसमें भी कई बार कमियां भी रही, लेकिन उस माहौल में जो किया गया वो काफी अच्छा था या नहीं था ये हम तभी तो तुलना कर पाएंगे जब किसी और से तुलना करके देखेंगे। तो पाकिस्तान भी आजाद हुआ, हम भी आजाद हुए, पाकिस्तान के प्रति व्यक्ति इनकम हमसे ज्यादा हुआ करती थी, हमारी कम होती थी, हमारे यहाँ पर ज्यादा समस्याएं थी, हमारे यहाँ पर धर्म भी बहुत सारे अलग अलग थे, वो तो धर्म के नाम पर ही बने थे। उसके बाद उनका टुकड़ा हो गया, बांग्लादेश बन गया, हमारे टुकड़े नहीं हुए। हमारे देश में आप लोगों को पता नहीं होगा, मालूम है गोवा हमारे देश का हिस्सा नहीं था आजादी के समय पर, हमारे में बाद में मिला। हमारे देश का हिस्सा सिक्किम नहीं था, बाद में मिला। उसके बाद से फ्रेंच कॉलोनीज कुछ थी हमारे देश में, फ्रांस के लोगों की, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, पॉन्डिचेरी, जो अभी केंद्र शासित प्रदेश है, वो बाद में आया। तो बहुत सारी चीजें, हमारे देश का आकार बढ़ा, हमारे देश की गरिमा बढ़ी, हमारे देश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय पाकिस्तान को छोड़कर के ऊपर निकल गई। और इसमें कहीं ना कहीं हमारे देश की लीडरशिप, नेताओं का भी योगदान रहा, है ना। तो आज कई लोग हैं जो पूरी पिक्चर अगर आप नहीं देखोगे तो फिर हम लोग गलत तरह से सोचना स्टार्ट कर देते हैं। और जो लोग भी अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं आप लोग समझ लीजिए, हम अपने व्यक्तिगत अनुभव से पूरी पिक्चर अगर बनाना शुरू करेंगे तो वहीं पर हम लोग गलती कर देंगे। और पब्लिक पॉलिसी में या फिर इकोनॉमिक पॉलिसीज में यानी कि अर्थव्यवस्था से जुड़ी ही योजनाएं बनाने में हम इस तरह की गलती हमें कभी नहीं करनी चाहिए। इसलिए हमें क्या देखना चाहिए, डेटा देखना चाहिए, कब क्या हुआ था वो देखना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें बहुत पसंद आई होंगी। आपको ये चैप्टर कैसा लगा, क्या क्या कमियां लगी, कोई चीज नहीं समझ आई वो बताइए। अब हम लोग इसका अगला जब रिविजन वीडियो होगा उसमें सारे पॉइंट्स कैसे लिखा जाएगा, जो डेफिनेशंस हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो सारे इंक्लूड करके हम लोग अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। मिलेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, आपके अपने चैनल अपनी क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।